Hello friends, welcome back. I hope all are doing well. So I am Neha Sethi. Welcome to Share Market with Neha Sethi. So friends, आज मैं आपको एक ऐसा पेनी स्टॉक बताने जा रही हूँ जिसमें हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है एंड शॉर्ट टर्म में हमें और अच्छा पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल सकता है. सब कुछ डिस्कस करेंगे शेयर में क्या क्वालिटीज हैं इस शेयर की, आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है. वीडियो स्टार्ट करने से पहले, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस. खुद से रिसर्च करना है पहले आपको अच्छी तरह और फिर ही इन्वेस्टमेंट करना है. तो शेयर का नेम है इंटीग्रेटेड कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड. आज भी इसमें 4.75% का पॉजिटिव रिटर्न हमें मिला है देखने को. शेयर का नेम है इंटीग्रेटेड कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड. 4 रुपीज़ के आसपास आपको ये शेयर अभी मिल रहा है. अगर हम इसके आज के हाई की बात करें तो आज इसने हाई बनाया है 4.32 का एंड इसका आज का लो है 3.80. फ्रेंड्स, 52 वीक हाई ज़्यादा दूर नहीं है. 52 वीक हाई है 6.55 का एंड 52 वीक लो है 2.81 का. सेबी की तरफ से 10% का सर्किट है. अगर अपर सर्किट लगता है या लोअर सर्किट लगता है तो आज कोई सर्किट नहीं लगा. आज बस हमें 4% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है. टर्नओवर की बात करें तो कंपनी का टर्नओवर अभी इतना ज़्यादा नहीं है, 0.70 लाख का है एंड मार्केट कैप भी अभी ज़्यादा नहीं है. मार्केट कैप भी ओनली 14 करोड़ का ही है. फेस वैल्यू आपको जो मिल रही है वो है 1 रुपीज़. फ्रेंड्स, EPS हमें नेगेटिव में मिल रहा है -0.01, P हमें नेगेटिव में मिल रहा है -5.47. कौन से सेक्टर से बिलोंग करता ये पेनी स्टॉक है तो कंसल्टिंग सर्विसेज देती है कंपनी. फ्रेंड्स, इनका जो सबसे अच्छी चीज़ है वो आया है इनका मार्च क्वार्टर का रिजल्ट. आप देखिए, दिसंबर क्वार्टर में एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, 0.02 करोड़ का लॉस था, लेकिन मार्च क्वार्टर में कंपनी ने दिया है प्रॉफिट, वो भी 0.12 करोड़ का. तो लॉस मेकिंग से हुई है एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी. तो इसी रीजन से शेयर एक पॉजिटिव रिटर्न हमें देखने को दे रहा है शॉर्ट टर्म. फ्रेंड, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी इनकी आई है 30 जून को. बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन फॉर कंसिडरिंग अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट. तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं. मार्च क्वार्टर का रिजल्ट तो इनका अच्छा ही आया है. अब फ्रेंड्स, इनकी नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट की डेट भी आ चुकी है. आप देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड हैज़ इन्फॉर्म्ड BSE दैट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज शेड्यूल्ड ऑन 4th ऑगस्ट. तो 4th ऑगस्ट अभी फ्रेंड्स टाइम है, अराउंड 1 मंथ का टाइम है, बट कंपनी ने डेट अनाउंस कर दी है. 4th ऑगस्ट को इनकी होने वाली है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग. उस मीटिंग में क्या होगा? फर्स्ट होगा, ये अप्रूव करेंगे अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑन स्टैंड अलोन बेसिस फॉर द क्वार्टर एंड द 3 मंथ्स एंडेड जून. तो जून क्वार्टर का रिजल्ट आएगा. सेकेंड, अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑन कंसॉलिडेटेड बेसिस फॉर द क्वार्टर एंड 3 मंथ्स. तो स्टैंड अलोन रिजल्ट भी आएगा एंड कंसॉलिडेटेड रिजल्ट भी आएगा. तो दोनों ही रिजल्ट आएंगे इनके 4th ऑगस्ट को. आप डेट नोट करके रख सकते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल अनाउंसमेंट है एंड लेटेस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए. सो फ्रेंड्स, मैंने आपको इनका रिजल्ट दिखाया. ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो चुकी है लॉस मेकिंग कंपनी से, फिर भी आप देखिए 4 रुपीज़ के आसपास का ही शेयर है. तो कभी भी पेनी स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती. जितना आप रिस्क ले सकते हैं सिर्फ उतना ही इन्वेस्टमेंट करना होता है. और अगर आपका कैपिटल डबल हो गया तो अपना प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा निकाल लेना चाहिए. फ्रेंड्स, सबसे अच्छी चीज़ और अट्रैक्टिव चीज़ है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न. प्रमोटर होल्डिंग देखिए कितनी अच्छी है, 65.89%. अभी नेक्स्ट क्वार्टर की न्यू प्रमोटर होल्डिंग नहीं आई है. दिसंबर में भी यही थी 65% के आसपास, सितंबर में भी यही थी 65% के आसपास. तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को सस्टेन रखा है, स्टेबल रखा है. पब्लिक है 34.11%. तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको वीडियो में आगे ये भी बताऊंगी कि इसमें कोई FII DII की एंट्री है या नहीं.
तो अभी आप इन शॉर्ट ये समझ जाइए कि इनका जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट है पॉजिटिव में आया है और लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग हुई है कंपनी। ये क्वार्टरली रिजल्ट बता रही हूँ फ्रेंड्स, लेकिन हम इसके एनुअली रिजल्ट भी कंपेयर करेंगे और इनका 4 अगस्त को आने वाला है रिजल्ट, तो डेट आप नोट डाउन करके रख लीजिए। कंपनी के बारे में अब और कुछ भी जानते हैं कि कंपनी कब बनी थी। तो कंपनी बनी थी 1993 में। इंटीग्रेटेड कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड रेंडर्स बिजनेस एडवाइजरी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज एंड एडवाइजरी ऑन डेट एंड बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग। तो इस चीज की ये कंसल्टिंग फर्म है। इनका मार्केट कैप आपको मैंने बता दिया 15 करोड़ के आसपास, अभी ज्यादा नहीं है। इनकी स्टॉक की पीई रेशियो है 20.5। अब इनका आरओसी और आरओई देखते हैं। इनका फ्रेंड्स आरओसी है 8.24% पॉजिटिव है, आरओई है इनका 7.81%, ये भी पॉजिटिव है। डिविडेंड आप देख सकते हैं 0। कंपनी अभी कोई डिविडेंड नहीं देती फ्रेंड्स, तो पैनी स्टॉक्स इतनी जल्दी डिविडेंड नहीं देती जब तक उनका बहुत अच्छा कुछ प्रॉफिट नहीं आ जाता। फेस वैल्यू 1 रुपीज। अब देखिए इनकी बुक वैल्यू है 2.44। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये भी आपको बताना चाहिए। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, डेप्टर डेज इंक्रीज हुए हैं इनके, प्रोमोटर होल्डिंग तो फ्रेंड्स अच्छी ही है, वो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब एक बार हम रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे। आप देखिए मार्च क्वार्टर में 0.22 करोड़ का प्रॉफिट है इनका, एंड अब एनुअली देखते हैं फ्रेंड्स इनका प्रॉफिट। तो एनुअली देखिए मार्च 2023 में कंपनी को आया 0.74 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2022 में देखें तो 4.52 करोड़ का लॉस था। तो देखिए 4.52 करोड़ के लॉस से सीधा 0.74 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई है, यही एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज है, इसी वजह से शेयर आपको दे रहा है पॉजिटिव रिटर्न। और नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी मैटर करता है, अगर नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ से और अच्छा आएगा तो आप शेयर को रखिएगा, नहीं तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने कंपेयर करने बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक बार फ्रेंड्स मैंने आपको कहा था FII DII इस पे भी नजर डालेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स इस शेयर में कोई FII नहीं है, कोई DII नहीं है, प्रोमोटर ने 65.89% और ये मार्च 2022 से होल्डिंग सेम है और पब्लिक है 34.11%। तो फ्रेंड्स इसमें प्रोमोटर अच्छे हैं, फंडामेंटल्स में ROC ROE पॉजिटिव मिल रहा है, लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग हुई है कंपनी, ये सारी पॉजिटिव चीज़ हैं। तो 4 रुपीज के आसपास मिलने वाला शेयर आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है, बट वंस अगेन दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। खुद से रिसर्च आपको करना है अच्छी तरह और फिर इन्वेस्टमेंट करनी है अच्छी तरह, उसके पॉजिटिव नेगेटिव जान के किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। एंड मैं आपके पास ऐसे शेयर्स लेके आती रहती हूँ, उनके अपडेट्स देती रहती हूँ आपको, सो दैट आप भी एक बार अच्छी तरह रिसर्च करके किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकें। सो फ्रेंड्स स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, एंड अगर आपने चैनल को किया है फर्स्ट टाइम विजिट तो वो भी कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।